Assalamualaikum फ्रेंड्स सब कैसे हैं सब खैर खैरियत है मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे आज एफ कार की जानब से एक और मैं आपके साथ वीडियो शेयर करना चाहता हूँ और उन भाइयों को बताना चाहता हूँ जिनको ये काफ़ी मसला रहता है उनको समझ नहीं आती कि मसला क्या है अक्सर आप जब गाड़ी को ब्रेक लगाते तब आपकी गाड़ी जो है ना वाइब्रेट करने लग जाती है हंड्रेड पर ना हो तो कम भी हो चार जैसे आप ब्रेक गर्म होती रहती आप ब्रेक लगाते हैं तो आपकी गाड़ी वाइब्रेशन शुरू कर देती है तो ऐसे लगता है कि जैसे अभी कोई चीज कैली बर या पैड्स जो है ना वो खुल के गिर जाएंगे या भी कुछ हो जाएगा खराब हो जाएगी तो जैसे ब्रेक फेल हो इस तरह की फीलिंग आती है तो आज उन भाइयों के लिए जाना मैं उनको बताऊंगा कि किस तरह आप इस चीज से बच सकते हैं कैसे इसको सेव कर सकते हैं किस तरह टेंशन फ्री हो सकते हैं तो इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखेंगे ताकि आपको उसकी समझ आए और उससे पहले जो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें तो कोई इस तरह का मसला आता है कोई गाड़ी में मसला आता तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और आप जो है ना मुझे वहाँ पे वॉइस मैसेज भेजें इन आपकी जो गाड़ी का मसला होगा वो उसको फिक्स कर दूंगा इसी तरह आपसे छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो शेयर करता रहूँगा आपको इन इससे फ़ायदा होगा अपने दोस्तों को भी बताएं इस चैनल के बारे में और आप मुझे सपोर्ट करें इन इस हर किस्म की कोई टेंशन हो परेशानी हो इलेक्ट्रिकल हो कोई भी गाड़ी हो आप वो मुझसे मसला शेयर करें मैं उसको इन दूर कर दूंगा आपकी टेंशन आपको फ्री कर दूंगा और बस यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें आए अब वीडियो की तरफ हम चलते हैं ये आपके सामने है डिस्क पैड जिसे लोग कहते हैं जी डिस्क पैड है पढ़े डिस्क भाई ये जो घूमने वाली प्लेट है इसको डिस्क कहते हैं और जो पैड्स हैं जो ये सामने लगे हैं कैलिबर के अंदर इसे पैड्स कहते हैं तभी इसको कहा जाता है डिस्क पैड्स ठीक है और ये जिसको आहार लगा रहा हूँ ये प्लेट है पड़ी रूटर डिस्क इसको बोलते हैं नॉर्मली सब लोग इसे डिस्क पैड कहते हैं और जहाँ ये मैं हाथ फिंगर जो घुमा रहा हूँ यहाँ पे आपने जब ब्रेक सर्विस कराना है इसको लुब्रिकेट करवाना है ग्रीस लगवानी है जब प्लेट खोलनी है तो इसको ग्रीस लाजमी करवाना है और इसके साथ जो कैलिबर में पैड्स हैं पड़े ये जो लॉक नज़र आ रहे हैं आपको स्टील के इन लॉक को आपने लुब्रिकेट करना है ग्रीस से ताकि जब आप ब्रेक अप्लाई करें तो चूँ की आवाज़ ना चूँ चूँ की ये इसके अंदर पानी जाए तो ये नोइज़ ना करे ब्रेक नोइज ना करे ठीक है और याद रहे जब भी ब्रेक सर्विस करें ये दोनों पिने चेक करवाएं अगर नीचे वाली खोलिए तब भी दोनों चेक करें ऊपर वाली खोलिए तब भी पिने करें और इनको भी लुब्रिकेट करना है हाई टेम्परेचर वाली ग्रीस से ताकि ये ब्रेक स्लो पाँव रखे तो टक की आवाज़ ना आए ठीक है <coughs> दूसरा जो मसला लोगों में बहुत ज़्यादा आता है कि जी हम ब्रेक लगाते तो हमारी गाड़ी कांपने लग जाती है बहुत ज़्यादा नुकसानदेह बनते इससे गाड़ी अनबैलेंस हो जाती है वो अनबैलेंस क्यों होती है पैडल वाइब्रेशन क्यों करता है बॉडी वाइब्रेशन क्यों करती है और स्टीयरिंग वाइब्रेशन क्यों करती है गाड़ी अनबैलेंस होकर ब्रेक अच्छी नहीं लगती वो तीन चार वजह है जिसकी वजह से इस तरह तो वो हमारी अपनी नेकलीजेंसी की वजह से अपनी वजह से ये इस तरह का इशू आता है कंपनी फिटिंग में ऐसा कोई इशू नहीं है ब्रेक का कोई इशू नहीं चाहे वो होंडा है चाहे वो टोयोटा है ये हमारी बेहतियाती की वजह से ये इस तरह का मसला आता है अब मसला है कि सबसे पहले नंबर एक तो जो है ना बोनट आप गाड़ी का उठाएंगे उसके ऊपर टम्परेचर मेंशन किया होता है गर्म गाड़ी पे आपने वाश नहीं करवानी कभी भी गर्म गाड़ी पे ये ट्रैवल करके आए हैं आप बहुत ज़्यादा मोटरवे से से हैं या आपने मोटरवे पे किसी भी पंप से जाके वाश करवा ली है वो एक तो गाड़ी के इंजन को भी नुकसान है गाड़ी के टायर को भी नुकसान है गाड़ी के डिस्क पैड जो है, पड़े पैड्स को भी नुकसान है और जो रूटर डिस्क है प्लेट है डिस्क है उसको भी नुकसान है क्योंकि प्लेट स्टेडी हो जाती है उसके बाद उसका लाइन बैलेंस आउट हो जाते हैं पैड्स हार्ड हो जाते हैं ठीक है जब आप फिर ब्रेक अप्लाई करते हैं सिक्सटी या सेवेंटी एटी या जिस तरह गर्म होते हैं पैड्स तब आपकी गाड़ी वाइब्रेशन करने लग जाती है वाइब्रेट करने लग जाता है स्टेयरिंग बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है ऐसे कि अभी कोई चीज़ खुल के बाहर आ जाएगी या पैड्स टूट जाएंगे या टायर खुल जाएगा या इस तरह की स्टेरिंग निकल के बाहर आ जाए इस तरह की कंडीशन आपको फील हो रही है वो इसी वजह से हो रही थी क्योंकि हम गर्म गाड़ी पर वाश करवा देते हैं वो वाश वाले उसी पर पानी मारने लगते हैं वो प्लेट्स इतनी हाई टेम्परेचर पर गर्म होती है उसके ऊपर पानी लगता है तो वो वैसे जो मटेरियल है ना वो लफ खा जाता है मतलब टेढ़ा हो जाता है उसके लाइन आउट हो जाती है बैलेंस आउट हो जाता है उस उसका ठीक है उसका फिर उससे पैड्स भी हार्ड हो जाते हैं एक चीज़ पहले क्लियर कर रहा हूँ विदाउट ब्रेक के एटी से 90 हंड्रेड या वन पे अगर आप जा रहे हैं तो बगैर ब्रेक लगाए अगर वाइब्रेशन करे इसका मतलब है वो व्हील बैलेंस का मसला है अगर आप ब्रेक लगाते हैं सेवेंटी एटी नाइन्टी वन ट्वेंटी या वन पे आप ब्रेक लगाते हैं, तब आपकी बॉडी वाइब्रेशन करने गाड़ी की बॉडी वाइब्रेशन करती है पैडल बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन करता है और जो है ना ऐसा लगता है कोई चीज़ खुल जाएगी तो इसका मतलब है कि जो इसकी डिस्क प्लेट है पड़ी उसकी लाइन आउट हो गए हैं पैड्स हार्ड हो गए पानी जा गर्म गाड़ी पे वाश करवा करवा के तो आपने एक तो गर्म गाड़ी पे वाश नहीं करवानी ये ख्याल करना ये नुकसान है ये आपके लिए जानलेवा हो सकती है ब्रेक नहीं लगती से हार्ड हो जाता है ब्रेक ग्रिप ख़त्म हो जाती है अनबैलेंस होने लग जाती है अब दूसरी चीज़ क्या है दूसरी चीज़ ये है कि आपने कभी भी नॉन जैन पार्ट्स इसमें नहीं डलवाना <coughs> मीन के हल्की नॉर्मल रेंज की डिस के नहीं डलवानी नॉर्मल के मतलब इतनी भी हल्की क्वालिटी हो कि लोहे का मटेरियल ना बना हो जब लोहे के साथ लोया काटता है तब भाई ब्रेक नहीं लगती इसके जो पैड्स हैं वो कम घिसते हैं उनका घिसाव कम होता है और जो जो प्लेट्स हैं ना जिसको डिस्क बोलते हैं वो ज़्यादा कटने लग जाती है फिर इसके ऊपर लाइनें पड़ती हैं उसके बाद भी ही वाइब्रेशन भी होती है पैडल वाइब्रेट करता है ब्रेक सही लगती नहीं है और गाड़ी कांपने लग जाती है गाड़ी के व्हील गर्म हो जाते हैं अलरम या स्टील रिम ऐसे आग बन जाते हैं जैसे इसको जलाया हो वो क्यों हो जाते हैं वो इसी वजह से नॉन जैन डिस्क पैड क्योंकि जो नॉन जैन डिस्क पैड होते हैं उनका मटेरियल बहुत ज़्यादा हार्ड होता है लोहे का बना होता है जो ओरिजिनल होता है वो बहुत नर्म मटेरियल होता है वो पैड्स ख़त्म होते हैं लेकिन डिस्क को नुकसान नुकसान नहीं और जब भी आप जैन पैड डलवाएं ओरिजिनल ही डलवाएं और आपने जब पैड डलवाने हैं तो इसकी जो प्लेट्स हैं पड़ी इनको आपने टूल करवाना है खरादे के पास लेथ वर्क होगा इसकी वो लाइन सीधी करेगा इसको टूल हल्का हल्का माइनर से इसको टूल करेगा इसकी लाइन बराबर करेगा इसका फेस प्लेन करेगा और पेड्स भी नहीं डलेंगे ये दोनों चीज़ें होंगी तो आपका मसला हल होगा अगर आप कहें जी पैड्स वही डाल दें और प्लेट टूल करवा लें आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा ठीक है अगर आप कहें जी हम पैड्स चेंज करवा लें और प्लेटें टूल ना करवाएं तब भी आपको फ़ायदा नहीं होगा दोनों काम इकट्ठे होंगे प्लेट टूल होगी नए डिस्क पैड वो भी जेनवन डालेंगे तो फ़ायदा होगा वरना नहीं होगा अगर आप दोबारा से इसको प्लेट टूल करवा के नॉन जनवन डलवा लेंगे फिर कुछ अरसे बाद ये मसला आ जाएगा ठीक है एक गरम गाड़ी पे आपने वाश नहीं करवाना ठीक दूसरी आपने नॉन जनवन पैड्स नहीं डलवाने ठीक है तीसरा जहाँ से भी ब्रेक सर्विस करवाएं आपने सिर्फ ये ख्याल करना है कि वो सही से टाइट कर रहा है दोनों पीछे कैलीबर हमेशा जब ब्रेक सर्विस कराएं चारों केलीबर अच्छी तरह चेक करवा लें कहीं कोई चीज़ लूज तो नहीं छोड़ रहा मकैनिक हजरात भूल जाते हैं तो इससे थोड़ी कुरेज करें आप अपनी तसल्ली किया करें क्योंकि ब्रेक के अलावा गाड़ी फजूल है आपकी फैमिली है उसको सेव करें अपने आप को भी सेव करें और इस चीज़ को फॉलो करें इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा और आपको जो है ना इससे टेंशन फ्री रहेंगे आपको कोई मसला नहीं होगा जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे ग्रीस लाजिम लगाने हैं जहाँ पे मैंने फिंगर रखी है ताकि प्लेट फ्री हो स्टक ना हो जाए जाम ना हो जाए ठीक है पैड्स को फुल ग्रीस नहीं लगाने है। बिल्कुल माइनर माइनर से साइडों पे ग्रीस लगानी है ना आगे लगानी है ना ही फुल पीछे लगानी है थोड़ी थोड़ी माइनर से आपने इसको लगानी है ताकि लुब्रिकेट रहे खुश्क ना हो ब्रेक लगाएं तो परफॉर्मेंस अच्छी हो ठीक है भाई समझ आइए गर्म गाड़ी पे आपने एक तो वाश नहीं करवानी दूसरा आपने नॉन जैन पेड्स नहीं डलवाने पेड्स भी जैन डालेंगे प्लेटें भी टूल होंगी तभी जाके आपका ये मसला हल होगा इन आपको टेंशन फ्री हो जाएंगे आपकी ब्रेक भी अच्छी हो जाएगी जिन लोगों को ब्रेक का मसला होता है ब्रेक भी अच्छी हो जाएगी और आपका मसला भी ख़त्म हो जाएगा लेकिन इस चीज़ को फॉलो करना है कभी भी गर्म गाड़ी पे वाश नहीं करने इंशाल्लाह अगली वीडियो पे मिलेंगे अल्लाह हाफिज